कक्षा 11वीं आज हम सब्जेक्ट है गृह विज्ञान और इसमें पढ़ेंगे घर का चुनाव। आशा है कि आप सब ऑनलाइन क्लास में इकट्ठे हो गए होंगे और आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। अब हम पढ़ेंगे आज के सब्जेक्ट के घर का चुनाव। अब देखेंगे कि घर हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। यह टिकाऊ और स्थायी संपत्ति है, लेकिन हमें हर वर्ग समाज में रहने के लिए घर आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति को घर की आवश्यकता होती है, चाहे वह अकेला हो या पूरा परिवार हो। पर हमें घर भी आय पर निर्भर रहता है, वो भी क्योंकि किसकी कितनी आय है, ये आय के अनुसार हम घर का चुनाव कर सकते हैं। घर की स्थिति, घर के चुनाव के बारे में हम जानेंगे कि घर की स्थिति कहाँ पर होना चाहिए, कि घर कहाँ हो, सड़क में हो, नगर में हो, कि कोने में हो, कि किस स्थान पर चुना जाए। बाजार पास में पड़े, स्कूल बच्चों का पास पड़े, सदस्यों को आने जाने की सुविधा हो, है ना। ये सब चीजें हमें आवश्यक हैं कि सदस्यों को सुविधा अनुसार होना चाहिए घर। अब है घर की भूमि। घर की भूमि जिस पर हमें अपने घर का निर्माण करना है, उसकी भूमि किस तरह की होनी चाहिए? पथरीली होना चाहिए कि चिकनी होना चाहिए, कि चिकनी होकर कीचड़ वाली ना हो, है ना, जहां पर कीचड़ ना जमे, अधिक चिकनी ना हो। कंकरीली वाली जमीन अच्छी होती है, क्योंकि चिकनी जमीन होगी तो कीचड़ मचेगा, और पथरीली और कंकरीली वाली जमीन होगी तो कीचड़ नहीं जमेगा और पानी भी शोषित हो जाएगा। अब पढ़ेंगे हम कि घर किस दिशा में होना चाहिए। घर का मुख्य पूरब उत्तर होना चाहिए या फिर पश्चिम में होना चाहिए। घर प्रकाशमय हो, हवादार हो, चारों तरफ से हवा आती हो, प्रकाश आता हो, इस तरह का घर हमें चुनाव करना चाहिए। फिर घर का पड़ोस। घर का चुनाव करते समय हमें आस पड़ोस का भी ध्यान रखना पड़ता है, कि घर के आसपास इन वस्तुओं का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे स्वास्थ्य की दृष्टि से हमें घर के आसपास हॉस्पिटल हो, है ना, और ताकि हम कोई अगर अचानक बीमार पड़े तो हम उसे ले जा सकें, और कसाई खाना वगैरह ना हो वहां पर, मल मूत्र विसर्जन करने के स्थान हो, इसके स्वास्थ्य के लिए हानि हो सकती है। क्योंकि फिर दूसरा है कुसंगति से। कुसंगति से बच्चों पर प्रभाव गलत पड़ता है, इसका भी हमें पास पड़ोस में वातावरण का ध्यान मनुष्य पर पड़ता है ना। तो हमें वातावरण का प्रभाव मनुष्य के ऊपर पड़ता है, इसलिए हमें कुसंगति से बच्चों को बचाने के लिए भी प्रयास के लिए जो आवश्यक होता है कि हम किस पड़ोस में कहाँ पर रह रहे हैं, वहां पे आजू बाजू का पड़ोस अच्छा हो, पढ़ा लिखा सुशिक्षित हो। घर से ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहां पर दैनिक आवश्यकताएं की चीजें पास में हो, ऑफिस जाने के लिए डाकघर, अस्पताल आदि सभी पास में होना चाहिए। अब हम देखेंगे कि घर की बनावट कैसी होना चाहिए। घर का नक्शा इंजीनियर से बनवा लेना चाहिए। घर का नक्शा इंजीनियर से बनवा लेना चाहिए ताकि वो उल्टा सीधा ना बने, आड़ा तिरछा, इधर से उधर, उधर से इधर। इंजीनियर एक हमें सही सलाह देकर घर बनवाने को बोलता है। जैसे नींव, नींव टिकाऊ होने पर निर्भर रहता है ना। तो ठोस होना चाहिए नींव। नींव लोहा, पत्थर, सीमेंट की बनी होना चाहिए ताकि वह कभी भूकंप आए, कुछ हो, ऐसी कोई आपदाएं आए तो हम उसे बचा सके। फिर है प्लेटफॉर्म। पानी के अंदर ना, पानी अपने घर के अंदर ना आए, ऐसा ऊंचा होना चाहिए प्लेटफॉर्म। घर के सामने का हिस्सा सारा सभी ऊंचा होना चाहिए जमीन, ताकि 2-3 फुट ऊंचा हो और वह अंदर पानी बाहर का बारिश का पानी ना आए, उसे ऊंचा होना चाहिए 2-3। फिर दीवारें, दीवारें ईंट पत्थर से बनी होना चाहिए ताकि कभी कोई ऐसी आपदा आए तो वह सहन कर सके घर हमारे, और हमारे भी नक्शा हो। खड़ी से बनी
बरसात से और हवा से। फिर है आप छत, छत कैसी होना चाहिए, छत सपाट व ढलावदार होना चाहिए। जैसे छत सपाट होना चाहिए क्योंकि अगर इसमें पानी रिसेगा तो ये अंदर सीलयुक्त तो हो जाएगा। और अतः बनवाते समय यह भी ध्यान रखना चाहिए कि छोटी हो, अवैध हो, यानी उसके छत के अंदर से पानी अंदर ना जा सके। फिर है कि ढलावदार छतें, वाटर प्रूफ छतें होना चाहिए और ढलावदार छतें होना चाहिए, सपाट होना चाहिए और ढलावदार। अब है फर्श, फर्श के बारे में है, दो प्रकार की होती है, कच्ची और पक्की। कच्ची वाली कैसी होती, जैसे हम प्लेट ऐसे ही फर्श बनी हुई होती है कच्ची वाली, और पक्की वाली पक्की बनी हुई पत्थर की बनी हुई है फर्श, या उसकी फर्श की सीमेंट की चूने की बनी। और कच्ची वाली कैसी होती, मिट्टी गोबर वाली बनी हुई है ना। अब हम देखेंगे आगे कि हमें वायु का किस तरह शुद्ध वायु घर के अंदर आ रही है कि नहीं आ रही, इसका भी हमें निकाल सके दूषित प्रभाव हमारे घर से हवा, उसका भी इंतजाम हमें देखना पड़ता है ना। तो वायु विजन कहते हैं, और स्थान पर शुद्ध हवा आ सके। खिड़की दरवाजे का होना बहुत ही आवश्यक है, और इनका स्टैंडर्ड साइज होना चाहिए ताकि हमें अच्छी तरह हवा मिल सके और घर की प्रदूषित हवा बाहर जा सके। अब है प्रकाश, प्रकाश का प्रबंधन। जैसे प्रकाश नैसर्गिक होता है, कृत्रिम होता है। नैसर्गिक से मतलब है कि सूर्य का प्रकाश, इसलिए पर्याप्त खिड़की व दरवाजे होना चाहिए। रात को घर को प्रकाशित करने के लिए कृत्रिम प्रकाश को उपयोग में लाना पड़ता है, उसके लिए लैंप और मोमबत्ती बिजली आदि का उपयोग करते हैं। अब इसके बाद बिजली के प्रयोग का भी विकार उत्पन्न नहीं होता है। यदि जलाने से धुआं होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे कणों की स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। पहले मन मूत्र की निकासी, गंदे पानी का निकास करना, जैसे शौचालय मूत्रालय आदि बनवाना, गंदे पानी का निकास के लिए हमें घर से गंदे पानी का निकास के लिए शौचालय बनाना होता है ना। फ्लश होता है उसमें सर्वोत्तम, जैसे आजकल बनते हैं बाथरूम में फ्लश की व्यवस्था होती है शौचालय में, और व्यवस्थाएं होना ही चाहिए। बड़े बुजुर्गों से नीचे वाले जैसे कमोड होना चाहिए, यानी नीचे वाले इंडियन इस पे नहीं बैठते बनता, जैसे बुजुर्गों के घुटनों में दर्द रहता है हमारे घर में होते हैं, इसलिए हमें फ्लश शौचालय अच्छा कमोड वाला बनाना चाहिए। फिर है पानी का प्रबंध, पानी का प्रबंध के लिए हमें नल की जरूरत होती है, नलों की व्यवस्था होना चाहिए इसमें, है ना। फिर नलों की व्यवस्था से मतलब है जगह जगह में बाथरूम में नल, किचन में नल, रसोई घर में, और वॉश बेसिन के लिए हाथ धोने के लिए बार बार जगह जरूरत पड़ती है। जैसे कि आजकल अभी कोरोना चल रहा है हमको बार बार हैंड वॉश करना पड़ता है, वैसे ही हमें एक वॉश बेसिन के पास नल होना चाहिए। फिर है स्थान का विभाजन, स्थान के विभाजन रखने करने के लिए हमें जैसे कई कमरों की आवश्यकता होती है, जैसे मनोरंजन के लिए जहाँ पर टीवी या और रेडियो सुना जा सके, खाना पीना खा के हम एक दूसरे से सारे परिवार से बात कर सके। फिर विश्राम, विश्राम के लिए यह सोने का कमरा होता है ना, विश्राम करने के लिए भी होना चाहिए। और हमें स्थान विभाजन के लिए एक योजना बनाना चाहिए, ये है मनोरंजन। अब है विश्राम, विश्राम यानी हमें सोने का कमरा। पहले काम धंधा करने के लिए कभी कभी बच्चे लैपटॉप चलाते, कहीं कोई काम है ऐसा एक्स्ट्रा तो हम उस कमरे में जाकर अपना काम कर सके। फिर है स्नान गृह में प्रवेश करने के लिए हमें कमरे से नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह व्यवस्था के कमरे में तभी संभव है जब कमरे के साथ बाथरूम लगा हो। रसोई घर से भी स्नान का प्रवेश द्वार नहीं होना चाहिए,
स्नान गृह में एक से एक अधिक द्वार होने चाहिए। फिर जो इस योजना से हमें परिवार के अनुसार कमरों की आवश्यकता होती है, योजना बनाना चाहिए। बाथरूम, रसोई घर, बच्चों का कमरा, सोने का कमरा और भंडार। अब हम आगे देखेंगे कि क्या क्या व्यवस्था होना चाहिए। जैसे है अब डाइनिंग, खाने के कमरा, खाने के कमरे में हम ऐसी व्यवस्था होना चाहिए कि हम बैठकर खाना खा सके, है ना। बैठक रूम हुआ, ड्राइंग रूम में हम बैठ सके, बैठने का, मिलने जुलने का रूम, बच्चों का कमरा होना चाहिए। खाने का कमरा 15 से 12 फीट होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 15 से 12 फीट का होना चाहिए। फिर एक पशुशाला होना चाहिए। पशुशाला से अर्थ है कभी कभी हम घर में गाय वगैरह पालते हैं या पेट डॉग पालते हैं, उसके लिए भी हमें होना चाहिए कमरा। फिर सोने का कमरा, सोने के कमरे के लिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि सभी सदस्य को पर्याप्त स्थान मिल सके, इसकी दिशा देखना चाहिए, वायु प्रकाश और सूर्य की किरणों के आने का भी प्रबंध होना चाहिए। गुसल खाना भी होना चाहिए, उचित प्रबंध होना चाहिए। रसोई घर में अतः इसका प्रबंध अत्यंत आवश्यक है। भोजन रहने के लिए, सदस्यों को बनाने के लिए स्वाद को बनाता बिगाड़ता है, इसलिए हमें रसोई घर में प्रकाश की व्यवस्था होना चाहिए, है ना। फिर इसके बाद है आपका बहुउद्देशीय कमरा। बहुउद्देशीय कमरे में हम पढ़ेंगे आज कि बहुउद्देशीय कमरे में क्या करना चाहिए या क्या क्या होता है। बहुउद्देशीय कमरे में कम से कम जगह में सामान रखा जा सके। फिर गृहिणी के श्रम की बचत हो सके, घर के सामान की देखभाल सुरक्षा हो सके। क्या पढ़ा आपने? पहला, कम से कम जगह में सामान रखा जा सके, गृहिणी के श्रम की बचत हो सके, घर के सामान की देखभाल सुरक्षा हो सके और कम खर्च में आवास का समाधान हो सके। आजकल पैसों की आवश्यकता सभी को होती है, इसलिए हमें कम से कम में बना लेना चाहिए मकान, ताकि अच्छा भी बने, टिकाऊ भी हो और बन भी सके मकान। इसके बाद हमें आती है अब इसकी लाभ, बहुउद्देशीय कमरे के लाभ। तो बहुउद्देशीय कमरे में लाभ है कि कम खर्च में अधिक सुविधा, फिजूल खर्च पे नियंत्रित हो सके, कम खर्च में अधिक सुविधा बन सके, फिजूल खर्च पर नियंत्रित हो सके, कम स्थान की जरूरत हो, फिर परिवार पर आय का भार ना पड़े, ऐसा बहुउद्देशीय कमरा होना चाहिए। आप बच्चों आप ध्यान से पढ़े, आपका इसमें से 4 नंबर का क्वेश्चन आप दे सकते हैं। अब है हानि, बहुउद्देशीय कमरों से हानि क्या होती है। बहुउद्देशीय कमरे से हानि है कि कमरा स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा नहीं होता है, रोगी के स्वास्थ्य के लिए रोगाणु अन्य को ही रोगी बना देते हैं, गृहिणी के संक्रामक रोगों का प्रकोप भी फैलने का डर होता है। बहुउद्देशीय कमरा स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा नहीं कहलाया जाता, जैसे संक्रामक रोग हो जाते हैं, है ना। फिर उसके बाद में है अच्छा नहीं होता, फिर घर में सफाई की व्यवस्था नहीं होती, कमरा स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा नहीं होता, है ना। फिर श्वास लेने में रोगी को कीटाणु फैलते हैं, जिससे सारे परिवार में फैल जाता है और परिवार जन में संकीर्णता की भावना उत्पन्न होती है, इसलिए हमें बहुउद्देशीय कमरा ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। घर में व्यक्तिगत कला का प्रदर्शन का भी अभाव होता है, इससे ये हानियां हैं। अब पढ़ेंगे गृह समस्या के कारण। गृह समस्या
वृद्धि, जनसंख्या की वृद्धि जिस प्रकार से हर क्षेत्र में, विज्ञान के हर क्षेत्र में प्रत्येक जिससे बहुत ही सुख पड़ रहा है, जैसे जैसे वैसे ही परिवार में जनसंख्या की वृद्धि हो रही है और एक कमरे से अधिक कमरों की आवश्यकता प्रति व्यक्तियों को रहने के लिए और वह व्यक्तियों के साथ रहने के लिए बस होना पड़ जाता है। फिर कल खानों की वृद्धि, कल खानों की वृद्धि में यानी कल खानों की वृद्धि हो रही, जैसे देश विदेश से प्रत्येक शहर में विभिन्न प्रकार के कारखाने उद्योग धंधे खुल जाते हैं तो उससे भी आवास की समस्या पैदा हो जाती है, तो कंजेस्टेड शहर हो जाता है, शहरों के क्षेत्र में बढ़ा है, शहरों में ही कारखाने खुल जाते हैं, कारखानों में अधिक संख्या होती है, उससे भी आवास की कठिनाई होती है। और एकाकी परिवार, फिर है एकाकी परिवार, एकाकी परिवार यानी अकेला परिवार, एक ही व्यक्ति सभी पुत्र एवं बहुओं के एक साथ रह सकता है। एकाकी परिवार की व्यवस्था भी प्रचलित है आज के समय में कि व्यक्तिगत आवास की जरूरत है अगर तो उसे ऐसे परिवार में बड़े बड़े आवास है, लेकिन उनके परिवार अलग अलग रहकर समस्या को बढ़ा देते हैं। फिर नौकरी पेशा, नौकरी पेशा से है आज की आज का शिक्षा प्रसार बढ़ा हुआ है, शिक्षित लड़के लड़कियां नौकरी करने की प्रवृत्ति बढ़ गई है और नौकरी के लिए शहरों में जाते हैं, तो उस व्यक्तियों को पैतृक निवास खाली करके व्यर्थ में पड़े रहते हैं उनके और दूसरी जगह जाके वो आवास करते, इसलिए भी यह समस्या बढ़ रही है। फिर है आधुनिक भौतिक साधन, आधुनिक भौतिक साधन में है कि वर्तमान में भौतिक साधन बहुत ही उपलब्ध हो रहे हैं और इनकी संख्या भी बढ़ गई, अधिकतम उन साधनों का उपयोग करना चाहता है जो संयुक्त परिवार संभव नहीं है, इसलिए हमें गृह समस्या के कारण आगे और गृह समस्याएं आती है। अब आवास समस्या का निदान, अब हम इसको पढ़ेंगे कि आवास समस्या से निदान कैसे हो सकता है, तो आवास समस्या का निदान भी होने के कारण है, जैसे है बहुमंजिल का प्रचलन। आजकल हम देखते हैं जगह जगह बहुमंजिली फ्लैट बन रहे हैं, कई कई फ्लैट बन जाते हैं, फर्स्ट फ्लोर सेकेंड फ्लोर थर्ड फ्लोर, इस टाइप से आपने भी देखे होंगे बच्चों। फिर है कम जगह में महानगरों में मंजिले इमारतें, बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हो जाती है। जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या का नियंत्रण किया गया है, हालांकि आजकल पढ़े लिखे पूरे अधिक संतान उत्पन्न नहीं करते, लड़का लड़की के मत कोई अंतर नहीं है, यह एक या दो संतान मिले ही वो लड़की हो या लड़का संतान नहीं चाहता है, परिवार में छह सात लड़कियां हैं अंतिम लड़का है तो ऐसे परिवार वृद्धि की नहीं करते बल्कि आवास समस्या से बढ़ जाती है। जनसंख्या नियंत्रण न होने के कारण भी आवास की समस्या बढ़ जाती है। फिर है भारत पंचवर्षीय योजना, भारत में सरकार द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं को चलाया जाता है, जैसे विशेष श्रम की आवश्यकता पड़ती है ऐसी व्यवस्था में और जिसकी परिकल्पना भारत की विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में की गई है, साथ ही आवास निर्माण से अकुशल श्रमिकों को रोजगार भी मिलता है और इससे आवास की समस्या सुलझ जाती है। चौथी पंचवर्षीय योजनाओं में भी है सुलझा हुआ, ये सभी आवास की योजनाएं चली। छठी योजना में भी स्पष्ट किया गया था और ग्रामीण भूमि ही श्रमिकों को स्थल प्रदान करे गए थे और घर के निर्माण की सहायता की। फिर है सामाजिक आवास योजनाएं, सामाजिक आवास योजना में 1982 में ये आई और कमजोर वर्गों के लिए इन्होंने मकान बनाना शुरू करे, कम आय वालों के लिए 1956 में इसमें योजनाएं आई, एक आई 1982 में। फिर 1954 में कम वर्ग वालों, 1954 में है ना, इसके बाद मध्य वर्ग के लिए योजनाएं आई 1959 में। फिर राज्य के स
सरकारी कर्मचारियों के लिए 1959 में ही मकान बनाकर देना सरकार ने शुरू किया। छोटी बस्तियों के लिए भी इन्होंने 1956 में ये चालू योजना को बाकायदा में स्कूलों के लिए आवास योजना को छोड़कर सभी को मकान देने का सोचा सरकार। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आवास योजना बनाई, कम आय के वर्ग वालों के लिए भी आवास योजना, मध्यम के लिए, सभी के लिए इन्होंने सरकार ने योजनाएं बनाई। इसमें आवास स्कूल निर्माण किए गए और सहायता योजनाएं प्रदान की गई। आवास और शहरी विकास निगम हुडको द्वारा, ये एक वो मंत्रालय के द्वारा स्थापित किया गया हुडको आवास और शहरी विकास के लिए निगम ने हुडको स्थापित किया, जो 1970 में स्थापित किया गया। शहरी विकास के लिए ऋण प्रदान करना था इसका मुख्य कार्य था। मुख्य कार्य क्या था? ऋण प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य था। ऋण प्रदान करना इसका कार्य कानपुर में किया गया, बॉम्बे में चलाया और कलकत्ता, सभी जगह इन्होंने ऋण प्रदान करके भारत में हर जगह आवास की योजनाओं का निर्माण किया। जैसे बंबई में भी किया गया, 70% श्रमिकों को एक कमरे में रहते थे, लेकिन उनको आवास प्रदान करके उन्होंने आवास की व्यवस्था करी, आवास की व्यवस्था बनाई, व्यवस्था की। और इधर बॉम्बे में भी 1970 जब ये मद्रास में था, तब ये बॉम्बे में 140 बस्तियां बहुत गरीब थी, वहां पर इन्होंने मकान बनाकर देना शुरू करा। अब मद्रास में 56 सरकारी जमीन दी गई और कलकत्ता में 1981। ये सब आपको कॉपी में करने, सारे प्रश्नों को आपको बुक से देखकर कॉपी में